This call is now being recorded. ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर विद यू. Just wait a minute, you will be able to see the screen. हाँ जी, क्या आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो हमने जूनोटाइप लास्ट टाइम देखा था, फिनोटाइप क्या था हमने देखा था. देखिए, फिनोटाइप आप देख सकते हो डायरेक्टली कि टॉल है या शॉर्ट है, आप वैसे ही देख सकते हो. जीनोटाइप आप देख के नहीं बता सकते, आपको कई बार कुछ चीजें जाननी पड़ती है वो जानने के लिए. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे यहाँ पे, हेयर कलर के देखे थे, आई कलर के देखे थे. सो वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, राइट? ये सब चीजें हमने की थी और हमने समझा था कि क्या होता है जीनोटाइप, क्या होता है आपका फेनोटाइप. सो वी हैव सीन दैट, राइट? अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं ग्रेगर मेंडल और उनके काम को लेकर. सो मेंडल वॉज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स और उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव काम किया था पी प्लांट के ऊपर. सो ही डिड अ वेरी एक्सटेंसिव वर्क ऑन अ पी प्लांट. तो ये बात चाहता था कि उन्होंने पी प्लांट के ऊपर किए थे अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट. ही डिड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट और इसके वजह से आज इनको जाना जाता है एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया. सो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है दैट व्हाई इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पी प्लांट, व्हाई द पी प्लांट वाज यूज्ड ओवर हियर. हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन है अप्सरा आपका? ठीक है, देखिए यहाँ. अच्छा, जिसका भी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? ओके, सुनिए. तो पी प्लांट की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्या पी प्लांट आपका क्यों यूज किया गया था या ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों यूज किया था? तो याद रखना, इट हैड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. इसका लाइफ साइकिल था शॉर्ट, सो इट हैड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. तो शॉर्ट लाइफ साइकिल का फायदा ही होता है कि आप कम टाइम में काफी सारा प्लांट्स बना सकते हो, राइट? मतलब जल्दी ये ग्रो करेगा, जल्दी मेच्योर हो जाएगा, जल्दी फ्लावरिंग होगी और उस तरीके से आप जल्दी इसके अंदर सीड बन जाएंगे. तो शॉर्ट लाइफ साइकिल का फायदा ही होता है कि आपको काफी कम टाइम में काफी ज्यादा प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हो. ठीक है, दे वर इजी टू ग्रो, दे वर इजी टू ग्रो. इनको आप इजिली ग्रो कर सकते थे, इनको ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं थी. छोटे एरिया में, हाँ जी, छोटे एरिया के अंदर आप इन्हें काफी ज्यादा नंबर में आप इन्हें ग्रो कर सकते थे. सो इवन इफ यू हैव अ स्मॉल गार्डन, उसमें आप बहुत सारे प्लांट्स को आप काफी आसान से ग्रो कर सकते थे. ऐसा नहीं है कि इनको कोई एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है एंड उनको आप लाइक उनकी फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर होती थी. ऐसा नहीं है कि ये प्लांट के अंदर फ्लावरिंग आपकी होती थी सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, दे वर फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर. तो एक इसके अंदर एक और एडवांटेज था, right? Then we'll get to see that these plants were my bisexual plants, right? So I would say they were your bisexual plants. So ये मेरे थे यहाँ पे bisexual plants. अब जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ that they were my bisexual plants, that means what? इनके अंदर आपके male flowers और female flowers आपको यहाँ पे काफी clearly देखने के लिए मिलते थे. So you get to see a male reproductive organ. और यहाँ मैं कहूँगा, I won't say male flower and female flower. अब मैं कहूँगा rather your male reproductive organ भी आपको यहाँ पे दिखता था फ्लावर के अंदर, और उसी फ्लावर के अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यहाँ पे आपको दिखता था. सो उसके अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आपको देखने के लिए मिलता था. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके ग्रेगर मेंडल ने इनको चूज किया था, दैट इज वाई ही चूज दैट पर्टिकुलर पी प्लांट, राइट? अब देखते हैं कि अच्छा, एक और चीज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पी प्लांट के अंदर कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे. मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर सीन. तो चलिए देखते हैं यहां पे मेरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं. लेट्स ट्राई टू सी देम. तो पहले तो हम इनकी थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं कि हमारे ग्रेगर मेंडल की स्टोरी यहाँ पे क्या है, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं. क्या देखना,
विग्रम इंडल जिनका लाइफ स्पैन था 1820 वाला, क्या बेटा पीछे वाला सर जो आपने लास्ट करना लास्ट, हाँ जी लास्ट पॉइंट ना, मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये मैं आगे समझाता हूँ आपको, आपको आगे दिखेंगे, आप दिखेंगे सर। नेटवर्क इशू हो गया था मेरा तब। हाँ तो मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। क्या अब मेरी आवाज आपको यहाँ पे क्लियरली आ रही है? यस सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इस प्लांट के अंदर कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते थे। अब क्योंकि इसके अंदर काफी अलग अलग कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते थे, इसलिए इसने उसे सिलेक्ट किया। इसलिए ग्रेगर मेंडल ने बोला कि यार मैं तो पी प्लांट के ऊपर करूंगा एक्सपेरिमेंट। अब ये कैरेक्टर्स क्या थे वो हम आगे जाके देखते हैं, विल सी देम आगे। ठीक है, पहले इनकी थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं। ग्रेगर मेंडल का एज था 1822 से लेकर 1884 तक इनका लाइफ स्पैन था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया ऑन द पी प्लांट। सो इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, ही प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने हमें दिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जब इन्होंने हमें दिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जब इन्होंने इनके लॉज बताए थे, तो लोगों ने इनके लॉ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब इन्होंने बोला कि यार ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इनकी जो फाइंडिंग थी उस फाइंडिंग को लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इनके डेथ के 13 साल के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि जो ग्रेगर मेंडल कह रहा था वो सब सच था। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये तो जो कह रहे थे वो ये तो सब सही बात थी, क्योंकि जो भी अब हमें दिख रहा है वो ऑलरेडी ये लोग ये जानते थे। सो इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो इनकी डेथ के बाद मिला था। डेथ के 13 साल के बाद ही वन द नोबेल प्राइज, और इनको वो स्टेटस मिला था एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स का। एक बड़ी सैड स्टोरी है आई वुड से, कि जब इन्होंने काम किया तब इनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया किसी ने, और उनके डेथ के 13 साल के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि जो भी इन्होंने बोला था वो बिल्कुल सही था। एंड देन दे गिव हिम द टैग ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। राइट, क्या बोला? हाँ बेटा बोलिए। सर क्या बोला था उन्होंने? किसने क्या बोला था? सर जे मेंडल ने, सर जो पीछे वाला वो। हाँ, इन्होंने आपके दिए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने कई सारे लॉ दिए थे जो हम अभी आप देखेंगे। सो ही गेव अस द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या ये लॉ आते हैं, कैसे आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एंड ही वॉज नेम्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि मेंडल का काम क्या था, इन्होंने काम कैसे किया। प्लीज बेटा इंटरप्ट मत करिए बीच में अगर कुछ। हाँ बेटा बोलिए, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? फिर इनका एक्सपेरिमेंट पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों दिया उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नाम? अच्छा, क्योंकि बेटा हुआ क्या था ना, जब इन्होंने फाइंडिंग्स की थी, इनकी फाइंडिंग्स इतनी एडवांस थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इन्होंने जो बातें की थी, इन्होंने जो स्टेटमेंट्स आगे रखी थी, इन स्टेटमेंट को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं है। राइट, लेकिन 13 साल के बाद उनको दिखा, कुछ साइंटिस्ट को दिखा कि जो वो कह रहे थे वो सब चीजें सही हैं। राइट, तो आप ये कह सकते हो कि इनकी जो बातें थी या इनकी जो स्टेटमेंट्स थी, इनका जो काम था वो काफी एडवांस था, और उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो टाइम पे किसी को थी नहीं। राइट, तो जब वो अंडरस्टैंडिंग लोगों में डेवलप हुई तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये काम तो बहुत पहले ग्रेगर मेंडल कर चुका है, एंड दैट इज व्हेन दे रियलाइज कि इनका काम सही था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, इनका काम देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी हिज वर्क नाउ। तो पहले याद रखना कि आपको जो पी प्लांट होता है उसके अंदर कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके अंदर कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको मिल जाते हैं। मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे पी प्लांट के अंदर सीड का जो शेप होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है राउंड, एक होता है व्रिंकल्ड। सीड का जो कलर होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एक आपका होता है यहाँ पे येल्लो, एक आपका यहाँ होता है ग्रीन। राइट, तो कई सारे आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको आपको दिख जाते हैं। फ्लावर कलर आपको मिल जाता है पर्पल या वायलेट एंड व्हाइट ओवर हेयर, तो दो टाइप के कलर के फ्लावर आपको दिख जाते हैं। पॉड का जो शेप होता है, पॉड का जो शेप यहाँ पे होता है वो आपका होता है इन्फ्लेटेड या होता है कंस्ट्रिक्टेड, फुला हुआ होता है या फिर एकदम छोटा सा दबा हुआ होता है। सो ये आपको दो टाइप्स के आपको मिल जाते हैं। सो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। राइट, यहाँ पे इवन लिखा हुआ है कौन सा है डोमिनेंट और कौन सा है रिसेसिव, ये तो हम लोग अभी हम देखेंगे और आगे इनको हम समझेंगे। राइट, इफ यू हैव अ क्वेश्चन बताइए सौरभ, क्या क्वेश्चन है आपका? सर इधर डोमिनेंट कलर जो है वो येलो है, लेकिन आमतौर पर तो ग्रीन ही होता है। नहीं, जो तुम नहीं, अच्छा ओके, दैट थिंग ना व्हिच यू आर गोइंग टू ईट, ठीक है, तो उस चीज को अभी हम फिलहाल साइड में रखते हैं। यस, वो तुम देखते हो कि डोमिनेंट कलर जो आपको वहां पे जो मिल जाए आपके अंदर, वो आपको वहां पे ग्रीन मिल जाए, बट
लेट्स कीप दैट नोशन साइड में फिलहाल, ठीक है, लेट्स कीप दैट नोशन साइड में एंड लेट्स फॉलो दिस ओवर हियर, ठीक है, आपकी बात सही है, बट अभी हम इस नोशन को फॉलो करते हैं ताकि हम हमारा लाइक पोर्शन यहाँ पे समझ पाए, ठीक है. So, याद रखना, you'll have a seed color is going to be yellow red and that is going to be a green on this side. Now, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा क्यू होता है. I'll tell you that later. But first, let's understand this concept right now. Then you have a pod color. आपका यहाँ पे रहेगा green dominant और आपका यहाँ पे रहेगा आपका येल्लो, आपका होता है recessive. Flower position आपकी यहाँ पे हो सकती है exile और terminal. And height आपका यहाँ पे हो सकता है tall and short. तो ये सब आपके हैं यहाँ पे contrasting character जिनको हम यहाँ पे detail में समझेंगे. हमारी स्टोरी चालू होगी फ्रॉम द हाइट. तो ऐसा अज्यूम करो, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा लाइक आफ्टर 5-4 मिनट्स, राइट, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, नहीं तो हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है. सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन आफ्टर फ्यू मिनट्स, आई विल टेल यू टू आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है. पहले यार क्या हो गया बेटा, आवाज मेरी क्लियरली आ रही है ना सबको? यस सर. एक्सपेरिमेंट किया क्या था. तो आप पहले दिमाग में बिठाओ कि सबसे पहले इन्होंने क्या डिसाइड किया, मेंडल ने, कि मैं एक कैरेक्टर को स्टडी करूंगा और वो कैरेक्टर जो सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया था वो था आपका हाइट. याद रखना, द फर्स्ट कैरेक्टर ही डिसाइडेड टू स्टडी वॉज द हाइट ऑफ द प्लांट. तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम पढ़ेंगे या हम स्टडी करेंगे हमारे हाइट को. तो हाइट ऑफ द पी प्लांट वॉज स्टडी, तो पी प्लांट की हाइट को उन्होंने स्टडी करने का यहाँ पे डिसाइड किया. तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने अपने गार्डन में देखा कि गार्डन में मेनली जो प्लांट थे वो सारे टॉल थे और कुछ प्लांट थे वो मेरे शॉर्ट थे. तो इसने इकट्ठा किया सारे टॉल प्लांट्स को, इसने सारे टॉल प्लांट्स को उन्होंने वहां पे इकट्ठा किया, राइट, और उसी तरीके से उन्होंने वहां पे इकट्ठा किया मेरे शॉर्ट प्लांट्स को जो काफी कम थे. अब क्योंकि मेरे शॉर्ट प्लांट्स वहां पे कम है तो साफ पता चलता है कि यार शॉर्टनेस तो डोमिनेंट कैरेक्टर वहां पे नहीं है, जो टॉलनेस है वही मेरी वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो दिख जाता है क्योंकि आपके टॉल ज्यादा थे शॉर्ट कम थे. अब हम क्या करेंगे ना, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखने के लिए क्या करेंगे, टॉलनेस वाले कैरेक्टर को हम यहाँ पे टैग करेंगे टी वाले एलील के साथ, कैपिटल टी वाले एलील के साथ, और शॉर्टनेस वाले कैरेक्टर को हम यहाँ पे टैग करेंगे विद द स्मॉल टी वाले एलील के साथ, ठीक है, स्मॉल टी वाले अल्फाबेट के साथ. सो कैपिटल टी एक आपका एलील है और स्मॉल टी आपका यहाँ पे रहेगा एक और एलील. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ दिस क्रॉस. अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपके पास एक प्लांट है, अगर आपके पास एक प्लांट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कैपिटल टी, राइट, सो दैट मीन्स वॉट, इसका जो फिनोटाइप होगा वो आपका होगा यहाँ पे टॉलनेस. सो बेसिकली दिस प्लांट इज गोइंग टू बी टॉल, राइट. अगर मैं कह रहा हूँ कि यू हैव अ प्लांट जिसके पास है स्मॉल टी, सो दैट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट प्लांट, ये आपका हो जाता है यहाँ पे एज अ शॉर्ट प्लांट. अब याद रखना हम यहाँ पे कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब इसका मतलब क्या होता है, मोनोहाइब्रिड मतलब हम सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, हम सिंगल कैरेक्टर जो मेरा है यहाँ पे हाइट उसको मैं यहाँ पे फॉलो कर, तो आई एम फॉलोइंग द सिंगल कैरेक्टर ओवर हियर, सो दैट इज योर, दैट इज व्हाई आई से इट एज अ मोनोहाइब्रिड प्लांट, आई एम फॉलोइंग द सिंगल कैरेक्टर ओवर हियर, मैं सिंगल कैरेक्टर को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ और वो कैरेक्टर मेरे सामने है यहाँ पे एज अ हाइट, दैट इज योर हाइट. अब चलिए देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया. तो मेंडल ने टॉल प्लांट्स को लिया, प्योर टॉल प्लांट्स को लिया, राइट, ही टुक द प्योर टॉल प्लांट्स कैपिटल टी, राइट. अब उसे नहीं मालूम था कि उसके अंदर कैपिटल टी है, ये तो हम लिख रहे हैं, ठीक है, और उसने उन्हें क्रॉस कराया शॉर्ट प्लांट के साथ. और जब उसने ये क्रॉस कराया तो उसे मिले, देखो याद रखना, यहां से आपका एक एलील आएगा. सो आपका देखो ये जो मेरे जो दोनों प्लांट्स है दीज आर माई पेरेंट प्लांट्स, बोथ ऑफ देम आर माई पेरेंट प्लांट्स. अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इनमें से मेरा आएगा एक ही एलील आएगा, इनमें से आगे मेरा आएगा यहाँ पे सिर्फ एक एलील. सो फ्रॉम हियर आई विल फाइंड ओनली वन एलील विल कम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एक एलील यहाँ पे आएगा, और यहां से भी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मेरा आएगा यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल टी, राइट. तो होता क्या है कि जब उसने ये क्रॉस कराया, जब उसने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराया, सो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, ही फाउंड दैट टॉल प्लांट वाज फॉर्मड,
यहां से कैपिटल टी आएगा और यहां से आएगा स्मॉल टी, और उसके बावजूद आपको यहाँ पे क्या मिला, ही वॉज एबल टू सी द टॉल प्लांट, उसने यहाँ पे टॉल प्लांट को देखा। अब मैं ये स्टोरी को एक बार फिर आपको बताऊंगा अलग तरीके से, समझे इस बात को। आप समझे आप मेंडल है, आपने क्या किया, आपने एक टॉल प्लांट लिया, आपने एक शॉर्ट प्लांट लिया, आपको उसने कराया क्रॉस, क्रॉस करने के बाद जो आपको प्रोजिनी मिले, जो आपको नए प्लांट्स उसमें से मिले, सो दिस वॉज माई एफ वन जनरेशन, इसको बोलते हम लोग यहाँ पे एज अ एफ वन जनरेशन। जो आपको एफ वन जनरेशन यहाँ पे मिला वो सारा के सारा था आपका टॉल, ऑल ऑफ देम ओवर हियर वर माई टॉल। अब जब आपको यहाँ पे टॉल प्लांट दिख रहे हैं, जब आपको यहाँ पे टॉल प्लांट क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मेंडल ने पता है क्या बोला, मेंडल ने बोला कि शॉर्टनेस का जो एलील था, शॉर्टनेस का जो एलील था वो कहीं खो गया। उसने ये बोला कि शॉर्टनेस का जो यहाँ पे एलील था ना स्मॉल टी, वो कहीं ना कहीं खो गया होगा। ये उसने यहाँ पे जिक्र किया कि यार ये कहीं ना कहीं तो गायब हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ टॉलनेस दिख रही है। अब जब मुझे यहाँ पे सिर्फ टॉलनेस दिख रही है, दैट मीन्स व्हाट, कि मेरा शॉर्टनेस का एलील, उसने ऐसा सोचा कि वो कहीं ना कहीं खो गया, दैट इज व्हाट हिज थॉट, राइट। लेकिन उसकी जो सोच थी वो सही नहीं थी और वो उसे अब पता चलेगा, सो याद रखना। सो ही टुक द टॉल प्लांट, ही टुक द शॉर्ट प्लांट, क्रॉस कराया एंड ही वॉज एबल टू फाउंड द टॉल प्लांट्स वर फाउंड। और जैसे उसे टॉल प्लांट मिले, उसने बोला कि शॉर्टनेस वाला जो एलील था वो कहीं ना कहीं खो चुका है, मतलब इस पेरेंट से जो एलील आया था वो कहीं खो गया है। दैट इज वॉट ही सेड आफ्टर फाइंडिंग द रिजल्ट ऑफ द एफ वन जनरेशन। अब बताइए आपके क्या क्वेश्चन है, बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर दो प्लांट्स को क्रॉस कैसे करवाया जाता है? देखो बेटा, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, समझो यहाँ पे मेरा एक प्लांट है, राइट, तो इसके अंदर भी होंगे मेरे पोलन ग्रेन्स, तो इनमें से मैं पोलन ग्रेन्स को निकालूंगा, जो मेल मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसमें से पोलन ग्रेन्स को निकालूंगा, और उन पोलन ग्रेन्स को मैं डाल दूंगा मेरे इस प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेसिकली इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो होगा यहाँ पे आपका गायनोशियम, तो इसका जो गायनोशियम होगा उसके अंदर मैं पोलन ग्रेन को स्प्रिंकल कर दूंगा। तो अगर मैं पोलन ग्रेन को स्प्रिंकल कर दूंगा ना, तो पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो उसके अंदर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप उन्हें कराते हो क्रॉसिंग। तो बेसिकली अगर समझो मैं तुम्हारे सामने एक प्लांट देता हूँ, तो आप क्या करना, उसके पोलन ग्रेन को निकालना, उस प्लांट के मेल पार्ट में से पोलन ग्रेन को आप निकालोगे और उन पोलन ग्रेन को आप डालोगे फीमेल पार्ट के ऊपर, यू विल ऐड देम ऑन द फीमेल पार्ट, और जैसे आपने उन्हें स्प्रे कर दिया तो एक दो दिनों के अंदर उनके अंदर वो मेल गैमेट्स वहां तक पहुंच जाएंगे, और एक बार वो वहां पे पहुंच गए तो आपका वहां पे सीड फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा आपको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सो दैट इज अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू अंडरटेक द योर क्रॉसिंग ओवर देयर, राइट। तो ये जो मैंने गोल गोल यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ से मेरे पोलन ग्रेन निकाले, राइट, एंड देन आई विल ऐड देम इनटू दिस पर्टिकुलर फीमेल फ्लावर के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मैं उन्हें स्प्रे कर दूंगा, ठीक है। तो इसे हम करते हैं क्रॉसिंग। चलिए तो एक ये क्वेश्चन हो गया, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? बोलो एक्सपेरिमेंट था सर, ये एक बार फिर बोलना सर, मेंडल का पी प्लांट वाला ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि इससे पहले भी किए थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट? नहीं, यहाँ से हम चालू करेंगे, सो यही उनका पहला था। सो देखो एक बात समझो यहाँ पे, कि जो उन्होंने स्टडी किया था ना, सबसे पहले वो उन्होंने किया था फ्लावर कलर के ऊपर, बट हम यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि आपकी बुक ये फॉलो करती है, तो ये भी उन्होंने किया था, फ्लावर कलर भी किया था। जैसे यहाँ पे नहीं, फ्लावर कलर आपका वायलेट एंड व्हाइट, वायलेट एंड व्हाइट ओवर दो कलर, तो ये उन्होंने किया था, बट हम लोग करेंगे हाइट से, बिकॉज योर बुक फॉलोज द हाइट वाला एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो इसलिए हम इसे देखेंगे, बट याद रखना हाइट भी क्या, और सबके अंदर रिजल्ट सेम ही निकला था, दैट इज व्हाई, राइट। सो इन्होंने यहाँ पे आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, आपको मिले टॉल प्लांट्स। अब देखो इन्होंने क्या किया, अब देखो मेंडल ने यहाँ पे किया क्या, मेंडल डिड द सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ द टॉल प्लांट्स। जितने भी उसे यहाँ पे टॉल प्लांट मिले, जितने भी उसे यहाँ पे टॉल है, सारे के सारे टॉल थे, सो जब भी उसे यहाँ पे टॉल प्लांट्स मिले, सो ऑल दिस टॉल प्लांट्स जब उसे यहाँ पे मिले, तो इनके बीच उन्होंने अब क्या किया, इन टॉल प्लांट्स को इन्होंने यहाँ पे पकड़ा एंड ही कैरीड आउट द सेल्फ क्रॉसिंग। तो इनके अंदर ही यहाँ पे उसने सेल्फ क्रॉसिंग किया, सो ही कैरी आउट द सेल्फ क्रॉसिंग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये सेल्फ क्रॉसिंग क्या होता है या कैसे हुआ होगा उसके अंदर, तो याद रखना मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो प्लांट्स हैं ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे बायसेक्सुअल प्लांट्स, ऑल प्लांट ओवर देयर आर गोइंग टू बी बायसेक्सुअल प्लांट्स, राइट, मेल एंड फीमेल ऑर्गन इसके अंदर होगा। तो आप क्या करोगे
कि मेल ऑर्गन में से पोलन ग्रेन निकालोगे और फीमेल ऑर्गन में आप डाल दोगे, ठीक है। सो सेल्फ क्रॉसिंग में आप क्या करते हो, आप मेल ऑर्गन में से पोलन ग्रेन निकालो। सो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर बना के दिखा देता हूँ, समझो ये आपका फ्लावर है, समझो ये आपका यहाँ पे फ्लावर है, राइट। और फ्लावर में लगा हुआ है यहाँ पे आपका फीमेल पार्ट, ये है आपका, समझो यहाँ पे लगा हुआ है आपका यहाँ पे फीमेल पार्ट, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो आई जस्ट राइट ओवर हियर एज अ एफ, ठीक है, दैट इज माय फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवर हियर। और बाजू में समझो लगे हुए मेरे पोलन ग्रेन, सो बाजू में मेरे लगे हुए यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ पे लगे हुए, बेसिकली मेरे ये एंथर है और एंथर के ऊपर ये जो एंथर मेरा है इसके अंदर यहाँ पे मेरे होंगे पोलन ग्रेन। सो आई कैन सिंपली राइट ओवर एज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टेमेन बोलते हैं, बट आप याद रखो मेल। तो यहां से अब मैं पोलन ग्रेन को निकालूंगा और उसे डाल दूंगा मेरे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहां से मैं निकालूंगा पोलन ग्रेन को और इनको निकाल के मैं इसके अंदर ही डाल दूंगा। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे एज अ सेल्फ क्रॉसिंग, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ सेल्फ क्रॉसिंग, हम यहाँ पे करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सेल्फ क्रॉसिंग करा दी, सो ही डिड द सेल्फ क्रॉसिंग इन दिस प्लांट। अब जब यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग कराई तो देखो यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यू विल टेक अ कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है, इसको मैं क्रॉस करा रहा हूँ सेम प्लांट से, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट से मैं यहाँ पे करा रहा हूँ क्रॉसिंग। अब जब मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग कराया, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, विल मेक अ पनेट स्क्वायर, अब यहाँ पे ध्यान देना, विल मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर। अच्छा, पनेट स्क्वायर बनाने के पहले ध्यान से सुनो, ये जो मेरा प्लांट है कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी वाला जो मेरा यहाँ पे प्लांट है, इसमें से मेरे दो गैमेट्स बन जाएंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा गैमेट मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दो टाइप के गैमेट मुझे यहाँ पे बन जाएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे दो टाइप के गैमेट बनेंगे सेम वाले, यू विल हैव अ कैपिटल टी एंड यू विल हैव अ स्मॉल टी विल बी फॉर्म। तो गैमेट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आना चाहिए, देखो एक प्लांट हो ना तो उसमें से आपको दो टाइप के लाइक गैमेट आपके यहाँ पे बन जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे आप बताओ, समझो यहाँ पे एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें कितने गैमेट मेरे बन जाएंगे, हाउ मेनी गैमेट्स आई कैन बी फाइंडिंग फॉर्मिंग ओवर हियर, बता दीजिए। टू। हाँ जी, यहाँ पे दो ही गैमेट मेरे यहाँ पे बन पाएंगे, इनमें से एक बनेगा मेरे यहाँ पे कैपिटल बी वाला गैमेट, अरे फीमेल मेल मत बोलो, बोलो बस गैमेट फॉर्मेशन, राइट, यू विल गेट मोर कंफ्यूज, यू विल हैव टू गैमेट्स विल बी फॉर्मड ओवर हियर। अगर मेरे पास एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल ए, तो इसमें से कितने गैमेट बन सकते मेरे, सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि इसमें से आपके दो बनेंगे, इसमें से आपके दो बनेंगे, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स मेक अ पनेट स्क्वायर। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊंगा आपका यहाँ पे एक पनेट स्क्वायर, सो लेट मी मेक अ स्क्वायर बॉक्स, और जो ये स्क्वायर बॉक्स आपको भी आगे जाके खुद से बनाना पड़ेगा, सो मेक दिस स्क्वायर बॉक्स, इसमें आप चार बॉक्सेस अलग से बना लो। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड द गैमेट्स ओवर हियर। तो आप पहले क्या करोगे, ऊपर आप गैमेट्स डालोगे, तो यहाँ पे आप लिख लो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे आपके दो गैमेट्स आपको मिल जाए, समझो ये आपका है फीमेल प्लांट और मेल प्लांट से भी आपको दो गैमेट से आपको यहाँ पे मिलेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब आप इन बॉक्सेस के अंदर इन एलील्स को आप ऐड करोगे, सो नाउ व्हाट विल डू इन एलील्स, ये जो जितने भी आपके एलील्स हैं यहाँ पे इनको आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे आएगा मेरा कैपिटल टी ऊपर से एक आया साइड में से एक आया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा मेरा कैपिटल टी साइड में से ऊपर से मेरा आएगा यहाँ पे स्मॉल टी, नीचे क्या आएगा बताओ, आप लोग बताओ नीचे क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, कैपिटल टी एंड योर स्मॉल टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ जी, तो ये दो ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये आपका यहाँ पे सेटअप आपके यहाँ पे बन जाता है, सो नाउ यू विल फाइंड दिस इज अ सेटअप व्हिच विल बी फॉर्मिंग ओवर हियर। अब जब आपका यहाँ पे सेटअप ये बन गया, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यू विल फाइंड इसमें से मेरे तीन प्लांट्स हैं मेरे यहाँ पे टॉल, सो आई हैव थ्री ऑफ द प्लांट्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी टॉल, तीन प्लांट्स मेरे यहाँ पे टॉल है और एक प्लांट जो मेरा यहाँ पे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट, दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट ओवर हियर। सो तीन आपके यहाँ पे टॉल आपको दिख रहे और आपको यहाँ पे एक दिख रहा है यहाँ पे शॉर्ट। तो याद रखना, हमने यहाँ पे क्या किया, F1 जनरेशन को यहाँ पे हमने लिया और उसकी कराई हमने सेल्फ क्रॉसिंग।
जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग कराई तो हमें क्या मिला, आई वॉज एबल टू फाइंड 3 टॉल प्लांट्स, या मुझे मिला रेशियो ऑफ 3:1 का मुझे यहाँ पे रेशियो मिला। और जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 3:1 का रेशियो मिला, इसका मतलब क्या हुआ, लाइक 3 था मेरा यहाँ पे टॉल एंड वन ऑफ देम वॉज माई शॉर्ट, तो ये मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला, ये चीज मुझे मेंडल को देखने के लिए मिली। तो ये दिस वॉज रिजल्ट ऑफ माई F2 जनरेशन, ये जो बेटा मुझे यहाँ पे मिला ना, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर F2 जनरेशन, ये मेरे F2 जनरेशन का यहाँ पे रिजल्ट है, दिस इज योर F2 जनरेशन, दिस इज गोइंग टू बी योर F2 जनरेशन। अब ये चीज को आप एक बार फिर ध्यान से समझिए, एक बार फिर आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको शॉर्ट में अभी ये बताता हूँ। आपने आपके पास जो F1 जनरेशन था, ये आपका था यहाँ पे आपका F1 जनरेशन, दिस वॉज योर F1 जनरेशन, आपने इसके अंदर कराया सेल्फ क्रॉसिंग, लेट मी राइट ओवर हियर, आपने इसके अंदर कराया आपका सेल्फ क्रॉसिंग। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कराया इसके अंदर सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फ क्रॉसिंग कराने के बाद उसको मिला F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में से क्या मिला, ही वॉज एबल टू फाउंड 3:1 का रेशियो उसे यहाँ पे मिला, 3:1 का यहाँ पे रेशियो मिला, 3 ऑफ देम वर माई टॉल प्लांट्स एंड वन ऑफ देम वॉज माई शॉर्ट प्लांट, ये उसको मिला रिजल्ट, दैट वॉज द रिजल्ट ही ऑब्जर्व। और याद रखना दिस रिजल्ट वॉज माई F2 जनरेशन रिजल्ट, ये था मेरा F2 जनरेशन। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे ही ग्रेगर मेंडल को ये रिजल्ट मिला, जैसे ही ग्रेगर मेंडल को ये रिजल्ट मिला, आप एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे, वो काफी शॉक हो गया। वो शॉक इसलिए होगा क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसे शॉर्ट प्लांट वापस से मिलेगा। उसने क्या बोला था, आप याद करो, उसने बोला था कि जो शॉर्ट प्लांट का जो एलील है वो हो गया कहीं पे गुम, वो हो गया है कहीं तो भी खो गया है वो। लेकिन जैसे ही उसे F2 रिजल्ट मिला, जैसे उसे F2 जनरेशन का यहाँ पे रिजल्ट मिला, ही सेड कि जो मेरा एलील था शॉर्टनेस का वो कहीं पे भी खोया नहीं था, वो वहां पे था लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। ये बात को आराम से एक बार समझिए, जैसे ही उसे F2 जनरेशन यहाँ पे दिखा तो उसने एक स्टेटमेंट बोला कि जो मैंने सोचा था कि मेरा शॉर्टनेस वाला एलील खो चुका है वो कहीं पे भी खोया नहीं था, वो वहां पे प्रेजेंट था F2 F1 जनरेशन के अंदर, वो F1 जनरेशन में वहां पे प्रेजेंट था लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, और F2 जनरेशन के अंदर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। तो याद रखना जैसे ही उसे रिजल्ट मिला, जैसे ही उसे F2 जनरेशन का रिजल्ट मिला, उसने आपको दो लॉस दिए, याद रखेगा ग्रेगर मेंडल ने आपको दो लॉस दिए आफ्टर गेटिंग रिजल्ट ऑफ द F2 जनरेशन, उसके पहले नहीं, इसके बाद, इसके पहले कुछ नहीं दिया था उसने, बट आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट ही गिव अस द टू लॉस, और दो जो लॉ उसने हमारे सामने रखे थे देवर माय लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ योर सेग्रीगेशन। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, अच्छा हम उन लॉस को देखेंगे अभी यहाँ पे, लॉस को समझने के पहले मुझे ये बताओ क्या यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ रही है, इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? सबको क्लियर होना चाहिए कि आपको 3 टॉल मिले और आपको यहाँ पे एक शॉट, आपको यहाँ पे प्लांट देखने को मिल गया, राइट, दैट इज समथिंग यू वर एबल टू सी, राइट। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने वो पिक्चर के थ्रू बताया, पेरेंट जनरेशन में उसने एक टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया, क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद उसे जो मिला F1 जनरेशन, सो F1 जनरेशन में आपको मिले सारे के सारे टॉल, अब इन्हीं टॉल प्लांट्स को उसने क्रॉस कराया वापस से, और जब इन्होंने क्रॉस कराया तो उसे क्या मिला, ही गॉट 3:1 का उसे रेशियो मिला, 3 टॉल मिले उसे यहाँ पे और एक आपका मिला यहाँ पे उसे शॉर्ट, दैट इज समथिंग ही गॉट। याद रखना आफ्टर दिस ही गेव अस द टू लॉज, और वो दो लॉ थे मेरे यहाँ पे, एक था आपका यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ था हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो ये दो लॉ मेंडल ने हमें दिए थे, अब देखते कि ये लॉ आपके यहाँ पे है क्या, व्हाट डिज दिस लॉज एक्चुअली आर, ये लॉ बेसिकली आपके यहाँ पे बनते क्या है, राइट। तो यही मैंने यहाँ पे क्रॉस जो मैंने वहां पे किया था ये आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ इन लोगों ने, राइट। यू कैन सी F1 जनरेशन में आपके यहाँ पे देखिए दो गैमेट आप यहाँ पे बना रहे हैं, राइट, दोनों सेम ही है, राइट। एंड देन यू विल हैव यहाँ पे आपका F1 प्लांट्स में सारे के सारे आपके बने यहाँ पे टॉल, राइट। आपने क्या किया, आपने किया इनका सेल्फ क्रॉसिंग, आपने इनका सेल्फ पोजिशन सेल्फ क्रॉसिंग आपने यहाँ पे कराया, एंड देन आपने अपना पनेट स्क्वायर बना के देखा, दैट यू हैव अ 3:1 का आपको यहाँ पे रेशियो मिला, 3 आपके थे यहाँ पे टॉल और एक था आपका यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे लॉज क्या कहते हैं। तो पहला मेरा यहाँ पे लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस,
अब एक बात आप यहाँ पे याद रखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर पनेट स्क्वायर बनाता हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैं एक बार फिर यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग अगेन क्विकली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यू हैव यहाँ पे तो आपका कैपिटल टी, आपका था यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे था आपका कैपिटल टी, यहाँ पे था आपका स्मॉल टी। तो ये था हमने इस तरीके से इसका अरेंजमेंट हमने यहाँ पे किया था। ये आपका समझो मेल साइड है, ये आपका फीमेल साइड है, राइट। अब यहाँ पे आपको मिला देखने के लिए टॉल प्लांट्स, यहाँ पे भी आपको मिले देखने के लिए आपके यहाँ पे टॉल प्लांट्स। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सेकंड बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया, इसमें टॉल प्लांट क्यों दिखा, इसमें शॉर्ट प्लांट क्यों नहीं दिखा मुझे, जबकि मेरा स्मॉल टी यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है। बिल्कुल सही, क्योंकि कैपिटल टी मेरा यहाँ पे डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट एलील मेरा यहाँ पे है, याद रखना, जो कैपिटल टी मेरा यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे दिस इज द डोमिनेंट वन, ये है मेरा यहाँ पे डोमिनेंट एलील। और जो डोमिनेंट एलील मेरे सामने है यहाँ पे, ये रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस होने नहीं देता, रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस होने नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे भी मुझे एक टॉलनेस मिली। बट जैसे ही मुझे यहाँ पे स्मॉल टी दोनों साथ में दिखे, जैसे ही मुझे स्मॉल टी दोनों साथ में दिखे, ये प्लांट मेरा बन गया शॉर्ट प्लांट। दिस प्लांट ओवर हियर, लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर, ये प्लांट जो मेरा यहाँ पे था, दिस बिकेम माई शॉर्ट प्लांट, दिस बिकेम योर शॉर्ट प्लांट, राइट। और बाकी तीन मेरे यहाँ पे प्लांट थे, वो मेरे यहाँ पे टॉल प्लांट थे। तो देखिए मेंडल ने यहाँ पे बोला क्या, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये बोला कि आपका जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जब तक वो एलील वहां पे होगा वो अपने आप को करेगा एक्सप्रेस, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील आपका रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। दैट इज वॉट ही सेड इन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिये हम यहाँ पे इसे देखते हैं। So, law of dominance क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट रिसेसिव एलील विल ऑलवेज बी मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील। मतलब रिसेसिव एलील को हमेशा छुपा दिया जाएगा बाय द डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील को हमेशा छुपा दिया जाएगा बाय द डोमिनेंट एलील। ये कहा है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर। इसको एक बार फिर हम यहाँ पे देखते हैं। देयरफॉर क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव will always express dominant phenotype while still having the heterozygous genotype। इसने यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप homozygous tall plant को और homozygous short plant को अगर आप cross कराते हो, आपको हमेशा आपका tall plant ही मिलेगा, आपको हमेशा tall plant ही मिलेगा, even though वहां पे आपका allele वहां पे आपका present है, even though आपका वहां पे recessive allele present है, आपको tall plant मिलेगा। That was my law of dominance. Law of dominance simply बात ये कहता है that dominant allele will express itself and will not allow the recessive allele to express itself. ये बात आपको याद रखनी है, that is your law of dominance. ये आपको Gregor Mendel ने दिया था, that is something he gave you. So ये आपका था law number one. अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा law. तो पहले ये बताओ, क्या आपको law of dominance यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? Is this clear to all of you? आप जानते हो कि कैपिटल टी आपका होता है डोमिनेंट एलील, दिस इज गोइंग टू बी अ डोमिनेंट एलील, राइट। स्मॉल टी आपका होता है रिसेसिव। आपका अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो डोमिनेंट एलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वो रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, राइट। तो याद रखना डोमिनेंट एलील जो आपका यहाँ पे है, सो जो आपका कैपिटल टी आपके सामने यहाँ पे है, ये कभी भी आपके स्मॉल टी को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। अगर ये साथ में होता है तो ये इसको मास्क कर देगा, ये इसको छुपा देगा, और क्योंकि ये इसे छुपा रहा है इसलिए क्या हो रहा है, आपको सिर्फ टॉलनेस देखने के लिए मिलेगी। इस कंडीशन में आपको सिर्फ टॉलनेस ही देखने के लिए मिलेगी। यही बात कह रहा है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए यहाँ पे स्टेट्स दैट रिसेसिव एलील विल ऑलवेज बी मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील। इसका मतलब यही है आपका कि रिसेसिव एलील को हमेशा मास्क कर दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा बाय माय डोमिनेंट एलील। और इसका उसने एग्जाम्पल कैसे समझाया, उसने ये बोला कि जब भी आप होमोजाइगस टॉल प्लांट लोगे और आप होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट लोगे, जब भी आप इनको क्रॉस कराओगे आपको टॉल प्लांट ही मिलेंगे, आपको टॉल प्लांट ही मिलेंगे वहां पे, क्योंकि आपका कैपिटल टी जो आपके सामने है
वो मास्क कर रहा है, वो छुपा रहा है आपके रिसेसिव एलील को. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो क्या आई होप जिनको ये पहले स्टेट बार में समझ नहीं आया सबको ये चीज अब क्लियर है. नाउ आई होप इट इज यस सर. ठीक है. यस सर. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. अब दूसरा लॉ मेरा यहाँ पे क्या है, सेकेंड लॉ इज माई लॉ ऑफ माई सेग्रीगेशन. ये भी देखना, ये भी वो F2 जनरेशन का रिजल्ट जैसे उसने देखा, जैसे उसने F2 जनरेशन का रिजल्ट देखा, उसने दो लॉ दिए, एक दिया डोमिनेंस वाला, एक दिया उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला. अब ये लॉ यहाँ पे क्या कहता है, देखिए मैं ये लॉ को अगर आप सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये लॉ बेसिकली आपको ये कहता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूँ तो आपको समझ भी आएगा. ये लॉ आपका यहाँ पे ये कहता है दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन योर एलील्स अंडरगो सेग्रीगेशन. तो समझिए मेरा प्लांट है, यह मेरा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाला. तो जब इसके गैमेट बनाए जाएंगे, जब इसके मैं गैमेट बनाऊंगा तो इसके दो गैमेट बनेंगे, एक बनेगा मेरा गैमेट कैपिटल टी और दूसरा गैमेट मेरा यहाँ बनेगा दैट विल बी माय स्मॉल टी. ठीक है. तो लॉ यहाँ पे ये कहता है ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना गोल गोल, दीज आर माई गैमेट्स. ये जो गोल गोल मैंने यहाँ पे बनाया है दीज आर गोइंग टू बी योर गैमेट्स. इनको बोलेंगे यहाँ पे एज अ गैमेट्स, दे आर गोइंग टू बी योर गैमेट्स. तो याद रखिएगा कि आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है. ये कहता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स अंडरगो सेग्रीगेशन. अब पहले ये समझो कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना. सेग्रीगेशन का मतलब होता है यहाँ पे आपका टू सेपरेट, सेपरेट होना, टू सेपरेट या सेपरेट होना सिंपल लैंग्वेज में. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपके दो एलील साथ में थे, अब क्या होगा जब गैमेट बने तब क्या हुआ, दोनों हो गए सेपरेट. तो याद रखना ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन योर एलील्स अंडरगो सेग्रीगेशन. राइट, इतना पहले आप ये सेंटेंस को समझो. अब इस लॉ को आप यहाँ पे देखो, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट द टू एलील ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर सेग्रीगेट्स, मतलब सेपरेट होता है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग योर गैमेट फॉर्मेशन एंड एंड अप इन अ डिफरेंट गैमेट. यही चीज है बेटा आपके यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब भी आपका गैमेट बनाए जाएंगे वो टाइम पे आपके जो एलील होंगे वो अलग होंगे एक दूसरे से और दोनों अलग अलग गैमेट में जाके ठहर जाएंगे. ये होता है आपका यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और सिंपल लैंग्वेज है, तुम कह सकते हो अगर तुम्हें कोई रोड पे पूछ ले कि बताओ बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, देन यू शुड टेल देम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन योर गैमेट्स, व्हेन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन योर एलील्स विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, या एलील्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड विल गो इन टू द डिफरेंट गैमेट्स. देखो दोनों पहले साथ में थे, दोनों खुश थे, दोनों साथ में थे, जैसे गैमेट बने आपके यहाँ पे दोनों यहाँ पे अलग अलग हो गए. दिस इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये दो लॉ आपको दिए थे आपके ग्रेगर मेंडल ने आफ्टर योर रिजल्ट्स ऑफ योर F2 जनरेशन. अब बताओ क्या ये चीज आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. यस सर. तो ये दो चीजें आपको, ये दो लॉ आपको याद रखने, और याद रखने ये दो लॉ आपके बन के आ रहे थे आपके सामने आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ F2 जनरेशन. क्योंकि F1 जनरेशन देखने के बाद उसने क्या बोला, उसने बोला कि अरे रिसेसिव एलील वाला जो ट्रेट था वो तो कहीं खो गया, वो मुझे दिख नहीं रहा, इट हैज लॉस्ट समवेयर. ये इसका स्टेटमेंट था. लेकिन जब उसने सेल्फ क्रॉसिंग किया उसको पता चला कि यार ऐसी बात नहीं है, कोई एलील कहीं खो नहीं रहा, वो वहां पे ही है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. ठीक है, तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे देखने में मिल जाती है. अब एक बार फिर मैं आपका यहाँ पे आऊंगा. अब देखो जब उसने ये क्रॉस कराया तो उसने देखा कि यार मेरे तीन तो यहाँ पे टॉल प्लांट्स हैं और एक ही मेरा यहाँ पे शॉर्ट. तो तीन प्लांट मेरे यहाँ पे टॉल है, एक यहाँ पे शॉर्ट, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फिनोटाइपिक रेशियो. सो 3:1 जो मुझे यहाँ पे मिला दैट वॉज माय फिनोटाइपिक रेशियो. याद रखना फिनोटाइपिक मतलब जो आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ फिनोटाइपिक रेशियो. फिनोटाइपिक रेशियो. सो याद रखना फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर व्हाट यू विल गेट टू सी, यू विल फाइंड यू विल हैव अ रेशियो ऑफ योर 3:1. So, 3:1 का आपको यहाँ पे रेशियो देखने के लिए मिलेगा. तीन होंगे मेरे यहाँ पे टॉल, एक होगा यहाँ पे शॉर्ट, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. राइट, सेकंड चीज आपके यहाँ पे क्या आती है, सेकंड चीज आपके यहाँ पे आती है कि आपको यहाँ पे कितने जीनोटाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हाउ मेनी जीनोटाइप्स यू आर एबल टू सी ओवर हियर. तो देखिये हम इन्हें काउंट करते हैं, एक तो ये है कैपिटल टी, एक ये है जीनोटाइप. राइट, दूसरा ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा मेरा यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी.
तीन टाइप के जीनोटाइप है ना, ज्यादा तो नहीं है, तीन ही है, ऐसा नहीं कि चार पांच है, तीन अलग अलग आपको जीनोटाइप यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, अगर आपको भी पूछते हैं यहाँ पे दैट व्हाट इज योर जीनोटाइपिक रेशियो, तो आप बोलोगे यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो मेरा यहाँ पे बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर 1:2:1। हाँ जी, 1:2:1। तो 1 है मेरा यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी, 2 है मेरा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, एंड एक सिंगल बने मेरा यहाँ पे अगेन स्मॉल टी स्मॉल टी। हाँ वो स्मॉल टी बोलना है, ऐसे डबल टी बोलोगे तो फिर तो हो गया काम, फिर तो हो गया जेनेटिक्स यहाँ पे खत्म, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो यू विल हैव दिस इज अ रेशियो एंड दिस इज माय जीनोटाइपिक रेशियो ओवर हियर, ठीक है। याद रखना व्हाट इज माय फेनोटाइपिक रेशियो एंड व्हाट इज माय जीनोटाइपिक रेशियो ओवर हियर, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। और यही रेशियो आपको मिला था, ये रेशियो आपको याद रखना, ये रेशियो से भी यहाँ पे मिला था, तो ये याद रखना, दिस समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं अगर रियल में बताऊँ आपको, तो उसने लगभग 1000 प्लांट्स को क्रॉस किया था, और 1000 प्लांट को क्रॉस मतलब 1000 उसे प्रोजीनी मिले थे जो उसने क्रॉस किया, तो उसे 1000 लाइक प्लांट्स मिले थे, 1000 में से 700 जितने थे आपके टॉल थे और 300 जितने थे आपके यहाँ पे शॉर्ट। समझो इस बात को कि अगर 1000 प्लांट्स आपको मिल जाए, अगर आपको 1000 प्लांट्स आपको मिल जाए, 1000 में से 700 आपको मिल जाए आपके टॉल, और बाकी 300 आपको यहाँ पे मिल जाए, रिमेनिंग 300 ओवर हियर आर गोइंग टू बी शॉर्ट, राइट। अगर ऐसा भी अगर आपको कंडीशन मिला, सो इवन देन यू कैन सी, इवन देन यू कैन सी यहाँ पे आपका रेशियो बन जाता है आपका यहाँ पे 3:1 का, तो आपको 3:1 का ही रेशियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी दैट, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे कर लिया, ये करके वो काफी खुश हो गया, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब उसने डिसाइड किया कि अभी तक मैं सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहा था, अभी तक तो मैं सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहा था, इसलिए मुझे बोले थे मोनो हैबिट क्रॉस, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करूंगा, आई विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर, दैट इज व्हाट ही डिसाइडेड। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या करेंगे। सो नाउ ही डिसाइडेड टू अंडरटेक टू फॉलो टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो ग्रेगर मेंडल ने बोला कि अब मैं दो कैरेक्टर को फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो द टू कैरेक्टर्स। सो टू कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस को मैं अब समझूंगा एक साथ, ठीक है। और ये जो हम क्रॉस अभी हम देखेंगे यहाँ पे, दैट क्रॉस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय डाई हाइब्रिड क्रॉस, दिस क्रॉस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज योर डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए सब लोग मिलते हैं, सब लोग देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज योर डाई हाइब्रिड क्रॉस ओवर हियर, ठीक है। अब पहले तो हम समझते हैं कि मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि यार मैं दो कैरेक्टर को फॉलो करूंगा। अब हम पहले ये समझते हैं कि यार वो कौन से दो कैरेक्टर थे जिसने बोला कि मैं फॉलो करूंगा। पहला कैरेक्टर था यहाँ पे आपका, वो था आपका यहाँ पे सीड शेप, और दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पे दैट इज योर, दूसरा कैरेक्टर मेरा यहाँ पे दैट इज योर सीड कलर। सो यू हैव अ सीड कलर एंड यू हैव अ सीड शेप। तो अब इन दो कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे समझेंगे। तो याद रखिएगा कि आपके जो सीड शेप होते हैं इसके अंदर, इन दिस पी प्लांट के अंदर, वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है राउंड और एक आपका यहाँ पे होगा व्रिंकल्ड। तो दो टाइप के सीड आपको मिलते देखेंगे, एक आपके होते हैं राउंड, एक आपका होता है यहाँ पे व्रिंकल्ड। याद रखिएगा राउंड को हम टैग करेंगे विद द कैपिटल आर, और व्रिंकल को हम यहाँ पे टैग करेंगे विद द स्मॉल आर, ठीक है। एन नहीं है, स्मॉल आर है, ठीक है। नाउ सीड कलर को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब हम सीड कलर को यहाँ पे देखेंगे, सो व्हेन वी सी द सीड कलर ओवर हियर, तो सीड कलर भी आपको मिलेंगे आपको दो टाइप के, सो यू हैव टू, सॉरी ये आपका यहाँ पे मैं स्लाइड को ऊपर नीचे बात कर दूंगा। सो यू हैव नाउ द सीड कलर, सीड कलर भी आपके यहाँ पे दो टाइप के हैं। यू हैव द येलो सीड, you have the yellow seed and you have the round seed. तो दो कलर के आपको यहाँ पे सीड मिले, you have the yellow seed and you have the round seed। याद रखिएगा कि आपका जो येलो सीड आपके सामने होगा यहाँ पे, this will have the capital Y allele, और green seed का जो यहाँ पे allele होगा यहाँ पे, that will be my small Y।
तो इतनी पहले आपको स्टोरी यहाँ पे याद रखनी है कि आपको सीड यहाँ पे दो टाइप के मिले, शेप आपको दो टाइप के मिलते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। हाँ बेटा दो मिनट रुकना, राउंड था आपका कैपिटल आर, रिंकल का एलिल था यहाँ पे आपका स्मॉल आर, ठीक है। सीड का कलर आपको दो टाइप के कलर आपको मिल जाते हैं, येलो सीड का कलर को हम टैग करते विद द स्मॉल कैपिटल वाई एलिल, और ग्रीन कलर के सीड को हम यहाँ पे टैग करें विद द स्मॉल वाई का एलिल। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। अब आप लोग मुझे आंसर करेंगे। नाउ नेक्स्ट चीज जो आप मुझे बताएंगे वो लोग आप लोग ही मुझे यहाँ पे बताएंगे। सो नाउ टेल मी ओवर हियर, मुझे आप लोग बताइए कि अगर आपके पास एक प्लांट है और उसका जीनोटाइप कुछ ऐसा है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अगर आपके पास ऐसा प्लांट आपको दिखता है तो ऐसे प्लांट के अंदर कौन से कलर का ये सीड होगा और कौन से कलर का, कौन से शेप का यहाँ पे सीड होगा? तो सीड का शेप और कलर यहाँ पे क्या होगा बताइए मुझे। और येलो कलर रहेगा मेरा यहाँ पे कलर, ठीक है राइट। आप यहाँ पे समझ आ रहा है राइट। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राउंड शेप आपका डोमिनेंट था और येलो कलर भी आपका यहाँ पे डोमिनेंट था। सो येलो एंड राउंड आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है यहाँ पे, इसलिए हमने उसे एज अ कैपिटल अल्फाबेट के तरीके से लिखा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए अगर आपके पास एक, मैं आपके सामने प्लांट दू जहां पे है स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो इसके अंदर आपको शेप और कलर क्या मिल जाएगा? दो साल लगाने आपके आंसर आते आते हुए, जल्दी आंसर कर लिया करो। सो नाउ यू हैव अ रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे कलर एंड रिंकल्ड शेप, ठीक है। तो राउंड एल एंड रिंकल शेप आपको यहाँ पे मालूम पड़ना चाहिए, रिंकल एंड ग्रीन एंड राउंड एल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग ओवर हियर। हमें चाहिए हमारा फ्री स्पेस, हमें यहाँ पे फ्री स्पेस मिल नहीं रहा। लेट मी ऐड अ स्लाइड ओवर हियर, लेट मी ऐड अ स्लाइड, जस्ट वेट अ मिनट। एक यहाँ पे हम स्लाइड डालते हैं, इसको समझते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हम कहाँ पे है, कहाँ पे है, वेयर वी आर समवेयर ओवर हियर। Let me add a slide over here. और क्लास खत्म होने की जल्दबाजी मत करना, जस्ट वेट अ मिनट, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, अब देखो आपके ग्रेडर मेंडल ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक तो आपको स्टोरी समझ आएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, देयर समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी व्हाट ग्रेडर मेंडल डिड। इसने लिए राउंड येलो वाले प्लांट्स, इसने प्योर राउंड येलो वाले प्लांट्स इसने उठाए, ठीक है। सो ही टुक द प्लांट व्हिच वर हैविंग दिस जीनोटाइप, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसने ये जीनोटाइप वाले प्लांट्स को उठाया। सो देयर माय राउंड येलो, अभी आपको बताना जा रहा है कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी राउंड येलो। और दूसरे उसने प्लांट लिए जो आप कहते हैं प्योर ग्रीन एंड रिंकल शेप वाले, सो दैट मीन्स स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये तो मेरे यहाँ पे दूसरे प्लांट्स। तो ये प्लांट्स इसने यहाँ पे उठाए, रिंकल येलो वाले और राउंड येलो वाले, ये इन दोनों प्लांट्स को इसने उठाया और फिर उनके अंदर कराया उसने क्रॉसिंग। अब यहाँ पे उसने कराया क्रॉसिंग, अब क्रॉसिंग कराते समय हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे गैमेट मेरे कौन से बन सकते हैं। पहले हम यहाँ पे गैमेट बनाएंगे, गैमेट बनाना अगर तुम्हें आ गया तो आधा जेनेटिक्स तुम्हारा वहां पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे गैमेट आपके क्या बनेंगे, तो याद रखना यहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही टाइप का गैमेट बन सकता है, वो आपका बनेगा यहाँ पे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, एक ही गैमेट बने यहाँ पे बन पाएगा, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल, और तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, सिंपल सी बात है बेटा, और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन नहीं सकता, सिर्फ एक ही बन सकता है कैपिटल एंड कैपिटल वाई, ठीक है। ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस है बेटा, हम यहाँ पे दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा जो गैमेट बनेगा वो मेरा सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा यहाँ पे, एंड दैट विल बी माय स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही मेरे यहाँ पे गैमेट बन सकते हैं और कोई मेरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन नहीं सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है,
आपने इनको कराया क्रॉस, इनको अगर आपने क्रॉस कराया तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, लेट्स ट्राई टू सी द रिजल्ट ओवर हियर। आपका रिजल्ट यहाँ पे बनता है कुछ इस तरीके से, यू विल हैव कैपिटल आर स्मॉल वाई, और मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, वेट अ मिनट, वेट, आई विल राइट इट डाउन इन अ वे इन विच यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये बनेगा मेरा यहाँ पे F1 जनरेशन, दिस विल बी माय F1 जनरेशन, और ये मेरा बनेगा यहाँ पे मेरा F1 जनरेशन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कैपिटल R कैपिटल Y आ गया, यहाँ से स्मॉल R स्मॉल Y आ गया, तो ये मेरा बनेगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल Y। अब आप मुझे सोच के बताइए, आप मुझे सोच के बताइए, अगर ये मेरा प्लांट है, मेरे F1 जनरेशन के जो भी मेरे प्लांट्स होंगे यहाँ पे, उनके अंदर सीड का शेप और कलर यहाँ पे क्या होगा, बताइए मुझे, व्हाट इज द शेप एंड द कलर ऑफ द सीड? सर्कलर येलो शेप, सर्कल राउंड, राइट, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आप सब लोग यहाँ पे समझिए, आपका डोमिनेंट एलील आपके यहाँ पे कैपिटल आर, अगर कैपिटल आर मेरे यहाँ पे डोमिनेंट एलील है तो सिंपल सी बात है, इसका जो शेप होगा मेरा यहाँ पे दैट विल बी राउंड ओवर हियर, राइट, और यहाँ पे कैपिटल वाई भी आपको दिख रहा है, अगर कैपिटल वाई आपको यहाँ पे दिख रहा है तो कलर आपका यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी येलो ओवर हियर। तो याद रखिए यहाँ पे आपका जो सीड का जो शेप और कलर यहाँ पे बनेगा दैट विल बी योर राउंड एंड येलो, और राउंड एंड येलो आपका इसलिए है क्योंकि कैपिटल आर अपने आपको करेगा एक्सप्रेस और कैपिटल वाई अपने आपको करेगा एक्सप्रेस। तो अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई अपने आपको अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं देन यू विल फाइंड यू विल हैव राउंड एंड येलो वाली कंडीशन आपके यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी, सो यू विल हैव राउंड येलो टाइप ऑफ योर प्लांट और सीड विल बी सीन ओवर हियर। ठीक है, तो यार देखो इस बात को समझो कि इसका शेप राउंड एंड येलो क्यों है, कंफ्यूज मत होना, स्मॉल आर और स्मॉल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते अगर आपके सामने कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो तो, ये बात को समझो आप लोग, एंड दैट इज व्हाई यू हैव राउंड एंड येलो टाइप का आपको यहाँ पे आपको सीड देखने के लिए मिलेगा। तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, मुझे श्योरिटी नहीं है आपके एंड से, आप लोग यस बड़े ड्रैग करके बोल रहे हो इसलिए, सो प्लीज इस बात को समझिए कि यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया। अब आप सोचोगे कि अगर कैपिटल आर है यहाँ पे तो वो राउंड ही होगा ना फिर, तो वहां पे कैपिटल है यहाँ पे, सुन लो अंकिता, लिसन टू मी, एंड व्हेन यू हैव अ कैपिटल वाई ओवर हियर देन यू विल ऑलवेज फाइंड इट्स गोइंग टू बी हैविंग द येलो कलर, राइट, क्योंकि ये आपके डोमिनेंट एलील है यहाँ पे। सो दैट इज वाई प्लीज नो दैट आपको जो एफ1 जनरेशन में जो आपके यहाँ पे प्लांट मिलेंगे they will be your round and yellow, they are always going to be round and yellow, that is what he found in the F1 generation. ab ye jab usse mila to ye wo expect kar raha tha, suno meri baat, jab Rigger Mendel ne ye cross kiya to ek baar fir samajh lo, ye hai mere yahan pe parent plants, ye hai mere yahan pe parent plants, right, aur parent plant pe jab aapne yahan pe cross karaya to aapko yahan pe mila aapka F1 generation, ye jo result use mila ye wo expect kar raha tha ki ha bhai F1 जेनरेशन में तो सारे के सारे मेरे डोमिनेंट वाले ट्रेट्स मुझे मिलते हैं, क्योंकि ये पहले भी देख चुका है वो, उसने देखा था कि जब मैंने टॉल और शॉर्ट को क्रॉस कराया तो ये डोमिनेंट ट्रेट ही मुझे मिला था यहाँ पे, तो यहाँ पे उसे क्या मिला, यहाँ पे उसे डोमिनेंट ट्रेट ही मिला, राइट, तो ये तो उसने यहाँ तक एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जब उसने इसका यहाँ पे सेल्फिंग किया, सेल्फिंग करने के बाद जो उसे जो रिजल्ट मिला वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट, तो सेल्फिंग तो बेटा अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक क्लोजर टू योर नाइन, बट स्टिल अंडरस्टैंड वन थिंग, ये मेरे पेरेंट प्लांट है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक बार फिर, दिस इज योर राउंड एंड येलो एंड दिस इज गोइंग टू बी योर रिंकल्ड एंड ग्रीन, ग्रीन, दिस इज योर रिंकल्ड एंड ग्रीन, सो ये है मेरे यहाँ पे पेरेंट प्लांट, तो पेरेंट प्लांट आप यहाँ पे याद रखना। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखो, एक चीज आप यहाँ पे याद रखो कि आपके सामने है प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से सारे पॉसिबल गैमेट्स आप बना के दो मुझे, इसमें से सारे पॉसिबल गैमेट्स आप बना के दो, या फिर एक मैं काम करता हूं इसको निकालता हूं, अज्यूम दैट इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, इसको मैं यहां पर इरेज करता हूं, मैं आपको यहाँ पे साइड में एक एग्जांपल लेता हूं, अज्यूम कर लो कि एक यहाँ पे प्लांट है, राइट, उसका जीनोटाइप है कुछ ऐसा,
यू हैव कैपिटल बी स्मॉल बी एंड यू हैव कैपिटल ए स्मॉल ए, ये है यहाँ पे जीनोटाइप। कौन सा ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, हमें नहीं जानना अगर आपके पास ये जीनोटाइप है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10th क्लास के बच्चों मुझे इसके अंदर से जितने भी पॉसिबल गैमेट बन सकते आप मुझे बना के दो, तो आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, आप यहाँ पे मुझे बना के दो एक गैमेट जो आपका होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, एक ये गैमेट मेरा यहाँ पे बन जाएगा राइट। एक मेरा गैमेट यहाँ पे बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, एक मेरा ये गैमेट यहाँ पे बन जाएगा। तीसरा गैमेट मेरा यहाँ पे बन सकता है जो मेरा हो सकता है यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और चौथा गैमेट जो मेरे यहाँ पे बन सकता है दैट इज गोइंग टू बी योर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये है मेरे चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये है मेरे यहाँ पे चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मेरे यहाँ पे बन सकते थे। मैंने कैपिटल ए लिया कैपिटल बी लिया उसका एक गैमेट बना लिया, मैंने कैपिटल ए लिया स्मॉल बी लिया उसका एक गैमेट मैंने बना लिया, फिर मैंने लिया स्मॉल ए और कैपिटल बी उसका एक कॉम्बिनेशन बन गया, और आखिरी कॉम्बिनेशन जो मेरे यहाँ पे बना दैट वॉज माई स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे बना लिया, ऐसे मैंने यहाँ पे चार पॉसिबल टाइप के गैमेट मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरे पास प्लांट है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, और अब मैं आपको बोलूं कि बनाइए इसके अंदर चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, गिव मी द फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं। सर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक होगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। आराम से बेटा कैपिटल वाई, एक सेकंड रुक जाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ही आपका तीसरा बन गया, और चौथा क्या बनेगा मेरा यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, मत बोलना स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सो दीज आर ऑल माय फॉल फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ये है मेरे यहाँ पे चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये मेरे चार टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बन सकते हैं, और यही तुम्हें याद रखने फिलहाल। तो मैं चाहूंगा कि लेक्चर खत्म होने के पहले आप इतना याद रखो कि आपके गैमेट्स यहाँ पे कैसे आप बना सकते हो, हाउ यू कैन फॉर्म द गैमेट्स ओवर हियर। सो दीज आर द फोर पॉसिबल गैमेट्स आई कैन फॉर्म, दीज आर द फोर पॉसिबल गैमेट्स व्हिच कैन बी फॉर्म। ये मेंडल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेंडल ये सब चीजें सोच ही नहीं रहा था, वो सोचा था कि ऐसा कुछ नहीं होता राइट। उसने क्या पता क्या सोचा था, मेंडल सोचता था कि डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट एलील रहेगा और रिसेसिव के साथ रिसेसिव एलील रहेगा, ये वो सोच रहा था कि डोमिनेंट एलील के साथ डोमिनेंट ही रहेगा और रिसेसिव के साथ रिसेसिव एलील रहेगा। सो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको यहाँ पे, अगर मैं मेंडल की सोच को अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, सो अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। मेंडल ये सोच रहा था कि अगर ये कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो मेंडल ये सोचता था कि आपको मिलेंगे एक गैमेट जिसमें दोनों डोमिनेंट एलील होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो एक ये गैमेट आपको मिलेगा और दूसरा गैमेट आपको मिलेगा यहाँ पे जिसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई बस। तो मेंडल का ऐसा मानना था कि डोमिनेंट एलील साथ में रहेंगे और रिसेसिव एलील साथ में रहेंगे, ये मेंडल का मानना था जो एक्चुअली में गलत मानना था, क्योंकि ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी। अब ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ कि मेंडल क्या सोच रहा था, ये उसमें मेंशन नहीं किया हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं तो याद रखना, ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस राइट। अब यहाँ पे हम क्रॉस कर नहीं रहे, यहाँ पे अभी तक हमने सेल्फ क्रॉसिंग चालू नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे, बट इतना याद रखना कि दीज आर द ऑल पॉसिबल गैमेट्स यू कैन फॉर्म, ये मेरे चार पॉसिबल गैमेट्स यहाँ पे आप बना सकते हो, दीज आर द ऑल पॉसिबल गैमेट्स यू कैन फॉर्म फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लांट राइट। क्योंकि यहाँ से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से चीजों को आगे बढ़ा के हम चीजों को खत्म करेंगे, और जैसे ही आपका लॉ आखिरी लॉ आप एक बार समझ लोगे देन विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस राइट, एंड देन यू विल बी एबल टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है, आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? तो इतना आई होप आपको यहाँ पे याद रहेगा, इतनी स्टोरी आप याद रख लेना, इतनी स्टोरी पढ़ लेना, याद रख लेना, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा एक दो क्वेश्चन करके बता दो यहाँ पे, Tell me the answer for this. The trait which express themselves in F1 generation, उसे हम कौन सा trait बोलेंगे यहाँ पे?
राइट आंसर जो ट्रेट अपने आपको एक्सप्रेस जनरेशन में वो आपका यहाँ पे मुझे इसका आंसर बताइए व्हेन अ प्योर टॉल प्लांट आंसर देखिए व्हेन अ प्योर टॉल प्लांट इट क्रॉस विद द ड्वार्फ प्लांट द रेशियो ऑप्शन सी 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 ठीक है राइट ये थोड़ा ध्यान से करेंगे आप लोग इन अ क्रॉस ऑफ कैविटी स्मॉल टी द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हैविंग सेम जीनोटाइप एज अ पेरेंट वुड बी 50% एक काम करो रुको इसे हम लोग करते सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से दो मिनट लिए रुक जाओ और इस क्वेश्चन को हम लोग साथ में सब लोग करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यू हैव दिस ये है पेरेंट प्लांट ठीक है सो पेरेंट प्लांट मेरा यहाँ पे क्या है यू हैव दिस कैपिटल टी स्मॉल टी एक मेरा पेरेंट है दूसरा पेरेंट भी मेरा वही है कैपिटल टी स्मॉल टी अब हम बनाते हैं हमारा पनेट स्क्वायर चलिए अब हम लोग बनाते हैं हमारे यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना के करते हैं ताकि सबको समझ आए वैसे हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट लेट्स मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर पनेट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे बॉक्सेस बनाएंगे हम लोग यहाँ पे सब लोग अब यहाँ पे आप डालेंगे हमारे गैमेट्स लेट्स ऐड द गैमेट्स ओवर हियर तो यहाँ पे मेरा आएगा यहाँ पे कैपिटल टी यहाँ पे आएगा मेरा स्मॉल टी यहाँ पे वापस मेरा आएगा यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे मेरा आएगा यहाँ पे स्मॉल टी ठीक है अब तुम यहाँ पे जब क्रॉसिंग कराते हो तो इसको मैं यहाँ पे दिमाग अब जब तुम यहाँ पे क्रॉसिंग कराते हो तो क्या होगा यू विल हैव अ कैपिटल टी यू हैव अ कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे भी आपका आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे आपका आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है अब देखो यहाँ पे अब मैं जब आपके सामने आपको रिजल्ट दे रहा हूं आप मुझे बताओ इसमें से कितने हैं जो पेरेंट जैसे हैं हाउ मेनी ऑफ दिस लाइक अ पेरेंट वन कैपिटल टी स्मॉल टी दो है ना सुनो मेरी बात दो है ना मेरे यहाँ पे यू हैव दीज टू आर द वन जिनका जीनोटाइप पेरेंट जैसा ही है ये जो मेरे दो यहाँ पे मुझे मिले यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी हैविंग द सेम जीनोटाइप एज अ पेरेंट वन तो चार में से अगर दो पेरेंट जैसे हुए तो कितना परसेंटेज हो गया 50% would be your having the parental genotype. क्या देखना 50% आपके यहाँ पे भी जिनके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे देख लिया आपका parental genotype. ठीक है. So this is something we have done in the today's class, right? इतना याद रखना, इतना समझ लेना. कल अगली बार जब हम लोग वापस मिलेंगे तो हम समझेंगे हमारा आखिरी law, and then उसके आगे हम लोग फिर स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका इसके ऊपर ग्रिप बन जाए, right? So that is something we'll be doing in the next class, right? अगर आपके पास अभी कोई question है, कोई query है, then please अपने question और query आप पूछ लीजिए. कोई भी अगर चीज समझ नहीं आई है या कोई concern है, तो you can just let me know that, so we can fix that thing. Just wait a minute.